हाय फ्रेंड्स, मैं हरीश स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी एंड मोटिवेशन। आज हम बात करते हैं रेडी फार्मेसी और बी फार्मेसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आए रहते हैं इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे, तो मैंने सोच लिया तो इस पर एक वीडियो होना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा देना, सो आपको आगे वाली वीडियो फार्मेसी रिलेटेड आपको या एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे आपके आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आप। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डी फार्मेसी और बी फार्मेसी कोर्स क्या है, उसके बाद आपको मैं लास्ट में बता दूंगा आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा है और कौन सा कोर्स करना अच्छा रहेगा। सो डी फार्मेसी एक डिप्लोमा कोर्स है 2 ईयर का और बी फार्मेसी एक डिग्री कोर्स है 4 साल का। तो डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है, उसमें एनुअल पैटर्न होता है, साल में एक बार ही बोर्ड की एग्जाम होती है और साल भर में 20 मार्क के हर तीन महीने में या 2 महीने के गैप से एक 20 मार्क की एग्ज़ाम होती रहती है और तीन एग्ज़ाम में जो भी 2 एग्ज़ाम के हाईएस्ट मार्क होंगे वो आपके फाइनल में कंसिडर किए जाएंगे। अब डी फार्मेसी के बाद कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, यह इसका वीडियो हमारे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है और उसके बाद की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उसमें के सब्जेक्ट के वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। तो ये बताकर वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और बी फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है, यहाँ पर सेमिस्टर पैटर्न से हर छः महीने में बोर्ड के एग्ज़ाम होती है और उस बोर्ड के एग्ज़ाम होती रहती है और 4 साल के बाद आपको बहुत सारे बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और आगे पढ़ना चाहते हो तो जी पैट नए प्रदेश से एग्ज़ाम दे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ये क्या होता है इसके बारे में अलग डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है डिग्री पर। अगर आप डिप्लोमा या फार्मेसी में आना चाहते हैं तो सिर्फ मेडिकल स्टोर ओपन करना आपका एम है तो आप, मैं कहूँगा कि आप डिग्री में अपना वक्त मत गवाइए, सिर्फ डिप्लोमा करके आपको लाइसेंस मिल सकता है। और लाइसेंस के लिए अभी एक नया रूल आया है एग्जिट एग्ज़ाम, उसके बारे में भी आप जान लो, और वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है और आपको तय करना है आपको फ्यूचर में क्या करना है, उस पर डिपेंड होता है कि आप डिग्री कर ले या डिप्लोमा कर। दोनों भी कोर्स अपनी जगह के ऊपर बहुत अच्छे हैं, दोनों कोर्स में भी आप अच्छी तरह से मेहनत लगन से स्टडी करोगे तो आपका फ्यूचर जरूर ब्राइट रहेगा। आप पर निर्भर होता है आप किस तरह से कोर्स करते हो। हर कोर्स के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। जो स्टूडेंट कम मार्क लाते हो आपको बताएंगे वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नहीं वो नहीं, वो कोर्स करना बेहतर नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कौन सा भी कोर्स कर लिए, कौन सा कोर्स में आप मेहनत और लगन से अपना 100% दोगे तो वहाँ पर आप सक्सेसफुल जरूर होगे और आप खुद बाकी लोगों के बताऊंगे कि ये कोर्स अच्छा है, यही बताना चाहता हूँ। तो और यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता था, अगर आप सिर्फ लाइसेंस के लिए अगर आप फार्मेसी में आए तो डी फार्मेसी करना आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि आपकी 2 साल बच सकती है और बिजनेस और उतने जल्दी से जल्दी आपके पास आपका लाइसेंस आ जाएगा और आप बिजनेस कर सकते हैं। पर आपको बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालनी है, बड़ी कंपनी में काम करना है, आप बिजनेस नहीं कर सकते और अच्छी जॉब मिलने के लिए तो डिग्री आपके लिए बेटर रहेगी। हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के डिफरेंस में कौन सा कोर्स आपके लिए करना सही होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको आंसर दे दूँगा। और भी कुछ फार्मेसी रिलेटेड और बाकी कुछ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बता देगा मैं आपको जल्दी से जल्दी, उसके आंसर या उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना गुड लक के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।